एक बहुत ही सुंदर दिखने वाली स्त्री ने विमान में प्रवेश किया। उसने देखा कि उसकी सीट के बगल में एक व्यक्ति है जिसके दोनों ही हाथ नहीं हैं। महिला को उस अपाहिज व्यक्ति के पास बैठने में अच्छा नहीं लगा। उस सुंदर स्त्री ने एयर हॉस्टेस से कहा, अपने सीट बदलने हेतु उससे आग्रह किया। असहज हुई एयर हॉस्टेस ने पूछा, मैम क्या मुझे आप कारण बता सकती है? सुंदर स्त्री ने जवाब दिया, मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती, मैं ऐसे व्यक्ति के पास बैठकर यात्रा नहीं कर पाऊंगी। एयर हॉस्टेस ने खाली सीट की तलाश में नज़र घुमाई पर कोई सीट खाली नहीं दिखी। एयर हॉस्टेस ने महिला से कहा कि मैडम इस इकोनॉमी क्लास में कोई सीट रिक्त नहीं है, किंतु यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखना हमारा दायित्व है। अंततः मैं वायुयान के कप्तान से बात करती हूँ और फिर देखती हूँ कुछ होता है तो। कृपया तब तक थोड़ा धैर्य रखिए। ऐसा कहकर एयर हॉस्टल वहाँ से चली गई। कुछ समय बाद उसने लौटकर महिला को बताया, महोदया आपको जो असुविधा हुई उसके लिए हमें बहुत खेद है। इस पूरे विमान में केवल एक ही सीट खाली है और वह प्रथम श्रेणी में है। मैंने हमारी टीम से बात की है और हमने एक असाधारण निर्णय लिया है। एक यात्री को इकोनॉमी क्लास से प्रथम श्रेणी में भेजने का कार्य हमारी कंपनी पहली बार कर रही है। सुंदर महिला को यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो गई, किंतु इसके पहले वह अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती और एक शब्द भी बोल पाती, उस अपाहिज व्यक्ति और दोनों हाथ विहीन व्यक्ति की ओर बढ़ गई और विनम्रतापूर्वक उसने पूछा, सर क्या आप प्रथम श्रेणी में जाना चाहेंगे? क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप एक अशिष्ट यात्री के साथ यात्रा करने का त्रास भोगें। सुंदर व्यक्ति तो अब शर्म से नजरें ही नहीं उठा पा रही थी। तब उस अपाहिज व्यक्ति ने खड़े होकर कहा, मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ और मैंने एक ऑपरेशन के दौरान कश्मीर सीमा पर हुए बम ब्लास्ट में मैंने अपने दोनों हाथ खो दिए थे। सबसे पहले जब मैंने इन देवी जी की चर्चा सुनी तब मैं सोच रहा था कि मैंने किन लोगों के लिए अपनी सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और अपने दोनों हाथ खोए। लेकिन जब आप सभी की प्रतिक्रिया देखी तब मैं अब गर्व से महसूस कर सकता हूँ कि मैंने अपने देश और देशवासियों की खातिर अपने दोनों हाथ खोए। और इतना कहकर वह प्रथम श्रेणी में चले गए। सुंदर व्यक्ति पूरी तरह से शर्मिंदा होकर सर झुकाए सीट में गड़ गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि शारीरिक सुंदरता का महत्व तब कुछ नहीं होता है जब तक व्यक्ति का मन उसके विचार सुंदर न हो। उस अति सुंदर का कोई मूल्य नहीं है अगर विचारों में उदारता न हो। सुंदर व्यक्तित्व की सुंदरता के साथ साथ सुंदर विचारों के मालिक बनने की आप हमेशा कोशिश कीजिए। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की रोज़ कहानियाँ आपके लिए लेकर आते हैं। आप किसी भी कहानी को मिस मत कीजिए।